सुनाई नहीं देता? रास्ते से हटो। कौन हो तुम? कोई नहीं। कहाँ जाना है? कहीं नहीं। लेकिन इतनी रात को ऐसी बरसात में अकेली? मैं अकेली नहीं हूं। आखिर तुम्हें कहीं तो जाना है। जहां मुझे जाना है वहां तुम नहीं पहुंचा सकते। बहुत दूर है क्या? बहुत करीब है। गाड़ी का रास्ता नहीं? रास्ते बहुत हैं, मगर तुम नहीं जा सकते। देखो मैं एक डॉक्टर हूं, मुझसे डरो नहीं। मैं किसी इंसान से नहीं डरती। तो फिर आओ बैठो गाड़ी में, जहां कहोगे वहीं छोड़ दूंगा। लेकिन तुम मुझसे बहुत कुछ पूछोगे। तुम नहीं चाहोगे तो नहीं पूछूंगा। कुछ नहीं पूछोगे ना? नहीं। आओ। तो वाइपर चल रहे थे, गाड़ी चलाना मुश्किल है, मुझे तो रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं देख सकती हूँ। तुम देख सकती हो, मगर रास्ता तो बिल्कुल सुझाई नहीं देता। रास्ता बिल्कुल साफ है, सीधे चलिए। सामने गड्ढा है, दाहिने तरफ से जाइए। आगे देखिए, अब बाईं तरफ मोड़ है। तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? खून। खून? ब्लेड लग गया। कैसे? अक्सर लग जाता है, तस्वीर के लिए पेंसिल बनाते वक्त। अजीब बात है, अंधेरे में रास्ता देख लेती हो, उजाले में ब्लेड दिखाई नहीं देता। कोई दवाई तो लगाई होती। रोकिए। यहाँ? मुझे यहीं उतरना है। इस वीराने में? ये तो कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ कहाँ जाओगी? आपने तो कहा था आप कोई सवाल नहीं करेंगे। Hey!
गया बेटा? अभी तक सोए नहीं। तू जब लेट आता है तब यही पूछता है। दावत कैसी रही? दावत? बाप रे, माँ मैं तो बिल्कुल भूल गया था, अभी आता हूँ, वो लोग खाने पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कौन? दावत वाले। अजीब लड़का है। हेलो सीमा। सीमा क्या बताऊं, आज कैसी अजीब बात हुई है बताऊंगा। गुड इवनिंग रोजी। गुड मॉर्निंग रोजी। गुड इवनिंग। आई सेड गुड मॉर्निंग। भीगे हुए कहां से आ रहे हो? एक पेशेंट को देखने चला गया था, वहीं लेट हो गया। साफ साफ क्यों नहीं कहते? भूल गए, भूल गए कि एक लड़की सीमा है जो बेचारी खाने पर इंतजार कर रही है, जाग रही है। भूल तो गया था सीमा, मगर क्या बताऊं, हम डॉक्टरों का कुछ काम ही ऐसा होता है। अच्छा है शादी से पहले भूले, कहीं शादी के बाद ना भूल जाना। क्या बताऊं सीमा, अजीब बात है, जानती हो आज मैंने भूत देखा। भूत? घोस्ट? तुम्हारी बात नहीं कर रहा। आदमी था या औरत? औरत। बूढ़ी या जवान? बिल्कुल जवान। फिर जरूर देखा होगा। खाना खाओ। तुम मजाक समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वापस लौट रहा था तो बीच रास्ते में खड़ी दिखाई दी, अंधेरी रात, सुनसान रास्ता, फिर जोरों की बारिश, मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। फिर उसका बैठना था कि वाइपर्स अपने आप बंद हो गए, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई। इसलिए मना करती हूँ कि हर लड़की को लिफ्ट ना दिया करो। देखा ना, अब तो ऊपर वालियां भी रास्ता रोकने लगी। मुझे तो रास्ता बराबर दिखाई नहीं दे रहा था, उसे सब कुछ नजर आ रहा था। वो बताती रही और मैं गाड़ी चलाता रहा। उसी के कहने पर एक जगह गाड़ी रोक दी। देखता हूँ तो कब्रिस्तान। वो गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चल दी। कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुला और फिर बंद हो गया। मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही वापस अपने आप चलने लगे। क्या सीमा, तुमने कभी कोई घोस्ट देखा? हमने देखा होता दार्जिलिंग में, एक बार हमारा पीछू पीछू आता होता। मतलब वो तुमसे डर के भाग गया होता? यस यस। नो नो नो, हम बोलता है रोजी। आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, कब्रिस्तान। हेलो, डॉक्टर साहब, आपका घोस्ट, मेरा मतलब है आपका फोन। मैं लता हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, अर्जेंट केस है, जल्दी आ जाओ। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? मैंने की जगह कोशिश भी की, घर पे भी फोन किया, फिर सोचा शायद किसी रोमांटिक मूड में किसी के पास होगे। मेरा ख्याल सही निकला ना? तुम्हारे ख्याल का क्या कहना, तुम डॉक्टर के अलावा कुछ और भी हो। लेकिन तुम नहीं समझते, अर्जेंट केस है, जल्दी आ जाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। ओके। अभी जाना है? हाँ अभी जाना। और खाना? अर्जेंट केस है ना। I love you. डॉक्टर सिंह? यस, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रतिलाल एम पद्मसी सॉलिसिटर, पद्मसी एंड पद्मसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपके स्टाफ में एक डॉक्टर अनंत है, मुझे उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। तुझे रखिए। थैंक यू। ये डॉक्टर अनंत के लिए आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफाई करे कि डॉक्टर अनंत की मेंटल हालत बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी डैडी, कैन आई हैव दिस सिटीज एक्सरेज? श्योर। माय डॉटर डॉक्टर लता, पद्मसी सॉलिसिटर्स। हेलो। जरा सुन के जाना। हाँ जरा फिर फरमाइए।
मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जो ये साबित करे कि डॉक्टर अनंत की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। आप मजाक तो नहीं कर रहे? डॉक्टर अनंत हमारे स्टाफ के बेहतरीन डॉक्टर है। उनके दिमाग की कैफियत उतनी ही अच्छी है जितने की आपकी है मेरी। आप ठीक तो है? माफ कीजिए, दरअसल डॉक्टर अनंत बहुत खुशनसीब है, उन्हें लाखों रुपए की जायदाद मिली है, लेकिन वसीयत में खास बात यह है कि जायदाद पाने वाले की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो, वरना वो जायदाद किसी दूसरे वारिस को दे दी जाएगी। डॉक्टर अनंत के खानदान में एक आध मेंटल केस हो चुका है, इसलिए जायदाद देने वाले ने यह शर्त खास तौर पर रख दी है। इट्स ओनली ए टेक्निकल मैटर। आपने तो मुझे घड़ा दिया था। मैं दे देता हूँ आपको। क्या लिख दूं? दिस इज टू सर्टिफाई दैट डॉक्टर अनंत। तो एक बहुत बड़ी जायदाद मिलने वाली है। हाँ सुनो, तुम्हारा कोई पुर्जा ढीला तो नहीं? मैं सच कहती हूँ, तुम्हें एक बहुत बड़ी जायदाद मिली है। सच? देखना अभी तुम्हें बुलाया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मेम साहब बैठे आपको बुला रही है। राइट टाइम ऑलवेज। उनसे कहो मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? श्योर, थैंक यू। सीमा है ना? वकील साहब बैठे, जायदाद तुम्हारी इंतजार कर रही है। ये सब चीजें इंतजार कर सकती हैं, मगर एक खूबसूरत लड़की को किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, करेक्ट? सुनो, आज का डांस मत भूलना। बिल्कुल याद रहेगा। लेडीज, फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स, आपके यहाँ आने का शुक्रिया। डरे नहीं, मैं कोई लंबी स्पीच नहीं दूंगा। आज हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एंड नर्सेस आपके सामने एक नए रूप में पेश हो रहे हैं। ये आइटम आप लोगों के लिए डॉक्टर लता, डॉक्टर आनंद और उनकी फ्रेंड मिस सीमा ने तैयार किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली गिव देम अ गुड हैंड। आई थैंक यू। अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देखे। तुम जैसी नाजनी बोलो के है कहीं, बोलो 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 ना मुझे, बोलो बोलो ना, बोलो 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 ना मुझे, बोलो। रिक 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 टापुरी टापुरी, रिक 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 तुम, हा हा हा। अरे कल जो मिला था मुझे ख्वाब में, वही तो नहीं हूँ क्या? Thank you.
तमन्ना हर घड़ी मुझे तेरी चाह ने लूटा। जाने मोहब्बत दिल मेरा तेरी हर निगाह ने लूटा। जाने तमन्ना हर घड़ी मुझे तेरी चाह ने लूटा। कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है क्या गुम। रमेश तुम आदर इनसे मिलो, ये है मिस्टर रमेश मेरे चाचा के लड़के द प्रोडिगल सन, ये मिस सीमा योर वुड बी भाभी। क्या तुम्हारी होने वाली भाभी? 10 रुपया भाई मुबारक हो। जवाब नहीं हमारे भाई का, जो खूबसूरत चीज देखी बस उसे पसंद कर दिया। मगर सीमा मेरी पसंद इसकी पसंद की तरह हर रोज नहीं बदलती। और सुनाओ आजकल क्या कर रहा है? ट्विस्ट? ओ मतलब ये कि जनाब अभी तक अपने आप को काम से बचाए हुए हैं। बस भाई साहब यूं समझिए कि काम हमसे बचा हुआ है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी डायरी तुमसे बची हुई है या अभी तक उसे अपने रंगीन कारनामों से भरे जा रहे हैं? सीमा इसकी बचपन की आदत है, ये छोटी से छोटी बात अपनी डायरी में नोट कर लेता है, क्या खाया क्या पिया, अगर मेरा इसका झगड़ा भी हो जाए तो वो भी नोट कर लेगा कि आज आनंद ने मुझे खूब जोर से। हाँ भाई सब ठीक है, डायरी रखना ठीक, डायरी को हर रोज लिखना ठीक, मगर रमेश ने आनंद कुमार। आदमी हूँ जी। वो तो मैं देख रहा हूँ, वैसे क्या? वैसे भी आदमी हूँ जी, उल्टा देखिए सीधा देखिए, मैं तो आदमी हूँ जी। यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी। नौकरी? सर्विस सर्विस। मैं हिंदी समझता हूँ, नाम क्या तुम्हारा? अब गरीब आदमी का नाम क्या हो सकता है हुजूर? जो जी चाहे वो पुकार लीजिए। कुछ बताओगे भी? अब क्या बताऊँ, माँ बाप ने तो मेरा नाम रखा है माधो, लेकिन गरीब आदमी को कोई नाम से थोड़ा ही पुकारता है। अरे ओए इधर, कोई कहते हैं गधे, कोई कहते हैं बेवकूफ। यहाँ कैसे आए? यहाँ मैं फुटपाथ से आया हूँ। हाँ, बेचारा फुटपाथ पर पड़ा, बरसात में कई दिनों से भीग रहा था, मुझे दया आ गई, अपना रामू चला गया तो मैंने इसे नौकर रख लिया है। माँ तुम किसी को जानती वानती नहीं, दया आ जाती है, फुटपाथ से उठा के नौकर रख लेती हूँ। बेटा नौकर बंगलों से बुला कर नहीं रखे जाते, फुटपाथ से मिलते हैं, गरीब का जाना न जाना। मैंने इसको बेसहारा देखा और सहारा दे दिया। चलो अच्छा। मौसम कितना खूबसूरत है। बहुत। हवा कितनी ठंडी है। बहुत बहुत। मेरी मम्मी अभी तक नहीं हुई। बहुत बहुत बहुत। मैंने कहा मेरी मम्मी अभी तक नहीं हुई। होगी भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हम शादी पहले करेंगे, मंगनी मंगनी सब समझे। बात बात में मजाक, कभी तो सीरियस हुआ करो। देखो सीमा,
घर में अपनी पोजीशन ऑलरेडी सीरियस हो गई है, अगर मैं भी सीरियस हो गया ना तो सब गड़बड़। क्या मतलब? माँ ने मुझे नोटिस दे दिया है। काहे का नोटिस? शादी का। माँ मेरी शादी कहीं और तय कर रही है। तो फिर तुमने माँ जी से क्या कहा? सीमा, इससे पहले कि माँ किसी और लड़की को पसंद कर ले, तुम्हारा माँ से मिलना बहुत जरूरी है। आनंद, अगर माँ ने मुझे पसंद नहीं किया तो? माँ ने तुम्हें पसंद नहीं किया? वेरी सिंपल, मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा जिसको माँ पसंद करेगी। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? इश्क तुमसे। इश्क मुझसे और शादी किसी और से, इसमें हर्जी क्या है? ओह, नाराज क्यों होती हो? शादी तुमसे कर लूंगा, इश्क किसी और से। हैप्पी? अच्छा बाबा, शादी भी तुमसे, इश्क भी तुमसे। हैप्पी? वेरी हैप्पी। वेरी गुड। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाए। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में, हम खुशी से ना आज मर जाए। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाए। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हम खुशी से ना आज मर जाए। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आंखों की रोशनी रख दूं, तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में, अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर जिधर जाए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाए। अपनी आँखों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाए। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हम खुशी से ना आज मर जाए।
सीमा क्या हुआ? क्या हुआ सीमा? क्या हुआ सीमा? साइनाइड का इंजेक्शन. सिट डाउन इंस्पेक्टर, सिट डाउन. एसपी साहब, मेरे ख्याल में ये जहर तो सिवाय डॉक्टर किसी और के पास हो ही नहीं सकता. डॉक्टर्स, नर्सेस, केमिस्ट, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज. नो नो इंस्पेक्टर नागकर्णी, यू आर मिस्टेकन. सबसे पुराना उसूल सबसे अच्छा उसूल है. यू फाइंड द मोटिव एंड यू फाइंड द मर्डरर. सबसे पहले तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि सीमा की मौत से किसको क्या फायदा हो सकता है, और साथ ही डॉक्टर लता और डॉक्टर सिंह पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने दो खास आदमी तैनात कर दो. डॉक्टर सिंह? यस, डॉक्टर सिंह. सो रहा था. आप तो जल्दी नहीं आए, लेकिन नींद जल्दी आ गई. बहुत तरक्की कर ली तुमने. फुटपाथ से कंपाउंड में, कंपाउंड से हाल में, यहाँ से मेरे बेडरूम में चले जाना. जो हुकुम सरकार. ए, कहाँ जा रहा? आपने बेडरूम में जाके सोने के लिए कहा ना. मैंने जहन्नम जाने को. चले जा. जो हुकुम. क्यों नाराज हो रहा है? वो सोते सोते उठा है. अभी अच्छी तरह नींद नहीं टूटी. तू कुछ कह रहा है, वो कुछ सुन रहा है. माधव, खाना गर्म कर. मैं खाना नहीं खाऊंगा. क्यों? मैं जानती हूँ बेटा, मैं तेरी माँ. तेरा दुख मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, लेकिन मरने वाले के साथ कोई मर तो नहीं जाता. तुझे इस तरह दुखी देखकर क्या सीमा की आत्मा सुखी रह सकती है? उसकी कहानी पूरी हो चुकी. कोई बुझा हुआ चिराग होता तो फिर से जला देती. अब तो यही कर सकती हूँ कि सीमा की जगह पर और किसी को ले आओ. इस तरह तेरा दुख कम हो जाएगा. बहू आ जाएगी तो इस घर की वीरानी, तेरे दिल का दुख, मेरी चिंता सब मिट जाएगी. बोल आनंद, मुझे जवाब दे. हाँ कह दे बेटा, बेटा हाँ कह दे. डॉक्टर नन स्पीकिंग. माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन हमारे घर में. आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पब्लिक टेलीफोन से बोल रहा हूँ डॉक्टर, इसलिए कि मुझे आपका घर मालूम ना हो सका. मैं बस वहाँ पोस्ट ऑफिस सर्कल के सामने आपका इंतजार कर रहा हूँ डॉक्टर. पोस्ट ऑफिस सर्कल. अच्छा, मैं अभी आता हूँ. थैंक यू. आप डॉक्टर आनंद? अभी बीमार को देखने के लिए आपने फोन किया था? जी हाँ, मैंने फोन किया. आई बैठ. आप जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब. किस तरफ जाना होगा? सीधे चलिए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ. आइए डॉक्टर साहब.
आइए डॉक्टर साहब। जरा दाहिन तरफ हाथ बढ़ाइए, मोमबत्ती रखी है, जला लीजिए। आइए ऊपर चलिए, आइए। इतना बड़ा घर, घर में बीमार और रोशनी नहीं। क्या बताएं डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी हैं, जिनके नाम का चराग जलता था वो कब से खत्म हो चुके। कौन हो तुम? मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर आनंद। आप यहां किस लिए आए? एक मरीज को देखने के लिए। आप इस बंगले के अंदर गए थे? जी हां। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपको फोन किया गया था कि मरीज को देखना है? जी। और वो मरीज कोई खूबसूरत लड़की थी? जी हाँ। और आपके पहुंचने से पहले मर चुकी थी? जी। और उसके सिराने बैठी बुढ़िया रो रही थी। ये सब ठीक है, मगर इंस्पेक्टर साहब आप कैसे जानते हैं? डॉक्टर साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं कि बरसों से इस बंगले में कोई नहीं रहता। ऐसी तूफानी रातों में कई बार ऐसे नाटक हुआ ही करते हैं, और आज की तरह कई डॉक्टरों ने पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन जब भी देखा गया वहां कुछ भी नहीं था। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप आइए ना मेरे साथ। चलिए आइए। तुम लोग यहीं ठहरो। आइए मेरे साथ।
लेकिन यहाँ वो मरी हुई लड़की, वो चिल्लाती हुई बुढ़िया, अभी अभी जाने यहाँ किसी की आत्मा भटक रही है। चलिए डॉक्टर साहब। अजीब बात है, जब मैं पहली बार उस लड़की से मिला तो वो कब्रिस्तान में गायब हो गई जी। और वो आदमी कौन? कोई नहीं। चल डॉक्टर साहब, ना कोई नहीं। लाओ चाय लाओ। पेपर? पेपर। ये पेपर है? नहीं, चाय भी ताजा है, पेपर भी ताजा है। माँ मंदिर से आ गई? नहीं आई अभी। ये क्या सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हो? चाय तो पीने दो। साहब, सुबह सुबह तन के सफाई के साथ कमरे की सफाई होना भी बहुत जरूरी है। माँ तो ठहरना। अनजान लड़की रेल दुर्घटना। ये अनजान लड़की कौन है? पुलिस इस रहस्यमय घटना की छानबीन कर रही है। वही सूरत, बिल्कुल वही। कौन है साहब? ये पेपर कब का है? मुझे क्या मालूम। यहाँ कैसे आया? कैसे आया मैं कैसे बताऊं? मैं पूछता हूँ, यहाँ कैसे आया? मतलब मैं कैसे बताऊं, आया हुआ कहीं से? कुछ खास बात है? आपने मुझे बुलाया? कल रात को तुमने हॉस्पिटल में टेलीफोन किया और तुमने उठाकर रिसीवर नीचे रख दिया, क्यों? वो हॉस्पिटल का फोन था। ऑफ कोर्स। मैंने सोचा वो गलत फोन है। गलत फोन है? जी, मैंने सोचा वो किसी आदमी का फोन नहीं। What do you mean? गलत फोन है, किसी आदमी का फोन नहीं है? Do you realize तुम्हारा पेशेंट कल रात में इतना सीरियस था? अगर इत्तेफाक से मैं उन लोगों को कल में ना मिलता, तुम्हारा पेशेंट मर जाता और तुम इसे कोर्ट में होते। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं सर, मैं कल बहुत परेशान था। अगर तुम परेशान रहोगे तुम्हारे मरीजों क्या होगा? तुम कुछ छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं सर, मैं दो तीन रातों से सो नहीं सका। सो नहीं सके? आनंद, तुम अपने आप को दुनिया के लिए तमाशा मत बनाओ। मैं देख रहा हूं, जब से सीमा मरी है तुम्हारा ना दिल पे काबू है ना दिमाग पर, तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। अपने बस की बात तो नहीं सर। आनंद, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी माँ है और उसका भी तुम पर कोई हक है। अगर उसके अरमान तुम नहीं पूरे करोगे तो कौन करेगा? मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शादी कर लोगे। शादी? हाँ, अपनी भलाई के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए, और अगर यकीन करो तो मेरी खुशी के लिए भी। मैं इस वक्त आनंद को शिकायत लेके आया हूं। शिकायत? हाँ, अब उसका काम में मन नहीं लगता। मैं उसे जिंदगी भर की कैद करवाने आया हूं, लेकिन जंजीरों की नहीं, उस गांठ की जो कि फिर जिंदगी भर नहीं खुल सकती। मैं तो इतनी डर गई थी कि पता नहीं आप क्या सजा देंगे। डॉक्टर साहब, एक माँ की क्या तमन्ना हो सकती है? यही ना कि घर में बहू आए, खानदान का चिराग रोशन हो।
आप बेफिक्र रहिए, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है और उसने मेरी बात से इनकार नहीं किया। डॉक्टर साहब, न मानने वाले को भी आपने मना लिया। आपके कहने से वो डॉक्टर होते हुए भी माँ की पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। सारी बात कब से पक्की है, वो राजी नहीं था इसीलिए देर हो रही थी। बात तय थी, आपने किससे बात की? बिन माँ की लड़की है, मेरी बहन के पड़ोस में वो रहते हैं। मैंने लड़की देखी नहीं, बहन के जरिए बातचीत हुई। ओ। वो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी, आपको मुबारक हो। मैं भी तो इसी काम के लिए आया था। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने आनंद को हमेशा अपना समझा, हमेशा उसका ख्याल रखा, उसके डावाडोल जीवन को आपने नाम भी तो संध्या है। नाम इतना खूबसूरत है तो तुम कितनी खूबसूरत होगी। ना जाने इन तेज हवाओं का मेरी जिंदगी से क्या वास्ता है। आज की रात शायद कहानियों की रात है जो कहानियों में ही कट जाएगी। सुनो, एक रात ऐसी ही तूफानी हवा चल रही थी जैसे बहुत सी अनदेखी रूहें मिलकर चिल्ला रही हों, पेड़ों के साए भूतों की तरह नाच रहे थे कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, खिड़की का पर्दा उड़ा, यहाँ रखा हुआ गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उस वक्त मुझे टेलीफोन आया कि बीमार को देखना है। मैं जल्दी से बीमार को देखने के लिए एक वीरान बंगले में पहुंचा। वो एक खूबसूरत लड़की थी जो मेरे पहुंचने से पहले मर चुकी थी। वहां से वापस लौट रहा था तो पता चला कि बरसों से उस बंगले में कोई नहीं रहता। इसी तरह डॉक्टर आते रहते हैं और वो लड़की मरती रहती है। संध्या, जानती उस लड़की की शक्ल? तुम यहां कैसे आई? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं, कौन हो तुम? क्या हुआ बेटा? क्या बात है साहब? क्या हुआ बेटा? तू किस पर बिगड़ रहा था? किस पर बिगड़ रहा था बेटा? क्या बात है? तो कौन है? वो हाँ हाँ वो बहू के बारे में पूछ रहा है। बहू? हाँ। तुमने अपनी जिद पूरी की ना माँ, बहू के बदले ना जाने क्या ले आई। इसका नतीजा ना तुम जानती हो ना मैं। डॉक्टर आनंद कहाँ मिले? वो अपने कमरे में होगी। अपने कमरे में?
Hello, Anand. Rumesh, तुम? Yes, it is me, your forgotten cousin. अभी भी घर से आ रहा हूँ. वहाँ से मालूम हुआ कि जनाब आजकल दिन रात हॉस्पिटल में रहते. सोचा कि मिलता जाऊँ. लेकिन तुम हो बड़े बदतमीज. शादी भी करवा ली और हमें इनविटेशन कार्ड तक नहीं. कार्ड उसे भेजा जाता है जिसका अता पता मालूम हो. तुम ठहरे लापता यहाँ घर वहाँ. भाई सच कहते हो. दरअसल मैं आज सुबह ही हांगकांग से वापस आया हूँ और आज रात के ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूँ. मैंने सोचा कम से कम शादी की मुबारकबाद तो देता जाऊँ. थैंक यू. भाभी कैसी है? आओ ना कमरे में. अरे इस वक्त नहीं, इस वक्त तो मेरे प्लेन का टाइम होता जा रहा है. हाँ, वापसी पर मैं भाभी से भी मिलूंगा और तुमसे भी एक जबरदस्त पार्टी दूंगा. अच्छा अच्छा. डॉक्टर जरा वार्ड में आइए. अभी आता हूँ. अच्छा भाई, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ओके. क्या है? बहुरानी की बनाई हुई तस्वीरें. देखिए कितनी अच्छी है. पीले पीले पहाड़. ये सिगरेट पीती हुई मेम साहब कितनी अच्छी है. कितना अच्छा मकान है. आइए डॉक्टर साहब. तुम कैसे जानती हो? हमेशा से आता है. मैंने ये पूछा है कैसे जानती हो? याद नहीं. गा कब से रही हो? याद नहीं. बात ये है कि ये गीत तुम्हें बहुत पसंद है, यही ना? गीत याद है, जाना कैसे ये याद नहीं. गा कब से रही हो ये भी याद नहीं. लगता है हमेशा से गा रही हूँ. इसलिए हर जगह गाती फिर रही हो? जी नहीं, मैं तो इस बंगले को जानती हो. लगता है कहीं देखा है. कब? याद नहीं. ये क्यों नहीं कहती कि बताना नहीं चाहती? बताओ कब गई थी इस बंगले में? मैं इस बंगले में नहीं गई थी. नहीं जानती ऐसा बंगला है भी या नहीं. तो फिर ये तस्वीर कैसे बनी? अपने ख्याल से. अभी तुमने कहा था कि इस बंगले को कहीं देखा है. शायद मैंने ऐसी कोई तस्वीर देखी हो और उसी तस्वीर से तुमने ये तस्वीर बनाई है. अगर आपको मेरा तस्वीर बनाना अच्छा नहीं लगता तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी.
उंगली पे क्या हुआ? कुछ नहीं। कह दो कि तस्वीर के लिए पेंसिल बनाते हुए अक्सर कट जाती है। कह दो कि तुम्हें खून पसंद है। स्याह सुर्ख लकीरों से तुम अपनी असली तस्वीर पर हमेशा के लिए पर्दा नहीं डाल सकती। ये क्या किया बेटा? बहू ने कितनी अच्छी तस्वीर बनाई थी। माँ, तुमने सिर्फ तस्वीर देखी है, इसके बदलते हुए रंग नहीं। यहाँ क्यों आई हो? ये पूछने के लिए कि आप मुझसे इतना दूर क्यों रहते हैं? आखिर मुझसे नफरत करने की इतनी क्या जरूरत है? जरूरत? यूं तो दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं, जमीन पर आसमान की जरूरत नहीं, हमारी तुम्हारी शादी की क्या जरूरत थी? अगर बस चलता तो अपनी किस्मत से पूछती। अपनी किस्मत से क्या पूछती हो? पूछना है तो उसकी किस्मत से पूछो जो खुशियों का सौदा करने निकला था और गम खरीद कर आ गया। आप ठीक कहते हैं, घूंघट में लिपटी हुई दुल्हन के आने से इस घर की हर चीज खिल उठी थी। अगर मैं जानती कि घूंघट के हटने से फूल भी अंगारे बन जाएंगे तो मैं घूंघट में ही छिपी रहती। जिस दिन से आपने मेरी शक्ल देखी है आप मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं आपके दिल का कांटा बन गई हूँ। कांटा नहीं नासूर, जिसका कोई इलाज नहीं। आखिर मैंने इतना बड़ा क्या कसूर किया है? कसूर? कसूर तो मैंने किया है जो हर जगह तुम्हें देखता फिर रहा था, बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा था, जिंदगी की बहुत बड़ी कमी को पूरा करने के लिए तुमसे शादी कर बैठा। जीती जागती दुनिया में मुझे खूबसूरती नजर नहीं आती थी, इसलिए मुर्दों की बस्ती से जाके एक जिंदा लाश उठा लाया जो बहुत खूबसूरत है किसी गुनाह की तरह। मैं कितनी अभागन हूँ, किस्मत ने तो ये बता दिया कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं। अब इतना बता दीजिए कि इस नफरत की वजह क्या है? Thank you.
माजी। क्या है? वो आ गए। कौन? स्वामी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। वो आने के लिए तैयार नहीं थे, बड़े मुश्किल से मनाकर मैंने यहाँ लाया है। लेकिन उनको यहाँ क्यों ले आए? इसलिए लाया है कि जहाँ उनके चरण जाते हैं वहाँ किसी बुरी छाया का पैर नहीं टिकता, इसीलिए मैंने लाया है। अपने बहू रानी को जरा दिखा दीजिए, जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। अच्छा किया। चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, क्या तेज है, आंखें बंद है पर तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। महाराज महाराज, तुम हो जी? अच्छा अब हम चलते हैं। क्यों, क्या बात है? महाराज इनका क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं है, हम इस घर में नहीं रह सकते, यहाँ पर बहुत कुछ है। बहुत कुछ है? हाँ, इस घर में अकेली तुम ही नहीं हो, यहाँ और भी कोई है। मेरा बेटा है, बहू है। उस पर जो बुरी छाया है वो उसे हमारे सामने नहीं आने देगी। अगर विश्वास न हो तो आजमा कर देखो, जाओ ले आओ उसे हमारे सामने, जाओ। वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हरि ओम तत्सत। क्या करें जी वो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, यूं ही अकेली बैठी थी। बैठिए। कभी नीचे भी आया कर, यहाँ अकेले रहते जी नहीं घबराता। अब तो अकेला रहने की आदत हो गई है। जवान लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए, इधर उधर की नजर हो जाती है, और कौन जाने सन्नाटे में किसी वक्त किसी अच्छे बुरे का फिर। मैंने तो अपने आस पास कभी कुछ नहीं देखा। बेटा ये बलाएं दिखाई नहीं देती, उन्हें तो कोई ज्ञानी और साधु महाराज ही पहचान सकता है। जो अपने आप को ना पहचान सके उसे साधु क्या पहचानेंगे? ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तपस्वी होते हैं और अपनी तपस्या के जोर से बहुत सी बलाएं दूर करते हैं। तू नीचे चल, माधव एक साधु महाराज को लेकर आया है। किस लिए माँ जी? कहता है किसी पर बुरी छाया पड़ी हो तो अच्छा कर देते हैं, भूत प्रेत को भी दूर कर देते हैं। लेकिन मैं उनके पास जाकर क्या करूंगी? तू उनके पास जाकर चुपचाप बैठी रहना। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तू क्यों इनकार कर रही है। महाराज ने पहले ही कहा था कि कुछ भी हो ये लड़की मेरे सामने नहीं आएगी। माँ जी मुझे कुछ नहीं है, विश्वास कीजिए मुझे कुछ नहीं है। तो फिर उनके सामने जाने से क्यों इनकार करती है? माँ जी तकदीर ने मुझे बहुत जलील किया है, मैं जिनकी हूँ वो मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहते, मैं खुद अपनी आंखों से गिर चुकी हूँ। अब मुझे साधु के सामने ले जाकर और जलील ना कीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। मुझे इस घर में तमाशा न बनाइए, मैं इस घर की बहू हूँ, आबरू हूँ, इसके सिवा मेरा कोई रूप नहीं। नर्स, अभी मेरे कमरे के पास से कौन गुजरा? कोई नहीं। लेकिन मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये बत्तियां किसने बुझाई? मालूम नहीं। यू कैन गो। गुड नाइट डॉक्टर।
तरीके से रहने दीजिए। आपको ले जाने के लिए आया। कहाँ? जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो और हमारे सिवा कोई ना हो, जहाँ मैं आपसे इत्मीनान से बातें कर सकूं। बातें घर में नहीं हो सकती क्या? घर? अपने ही दिल से पूछिए, घर में आपने आज तक मुझसे कितनी बातें की? घर पे आपकी नफरत के सिवा मुझे और क्या मिला है? घर अगर मेरे लिए घर होता तो आज मैं यहाँ क्यों आती? यहाँ शिकायत करने आई हूँ। आपने आज तक मुझे कभी अधिकार दिया है जो मैं शिकायत कर सकूं? चलिए मेरे साथ। सुना, चलो घर चलो। अब उस घर में तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं, उस घर में मेरा दम घुट जाएगा। मैं आजादी की फिजा में सांस लेने निकली हूं, खुली हवा में जहां खुले दिल से बातें कर सकूं। चलिए, जहां बिल्कुल सन्नाटा हो। खुली हवा, ये धुली चांदनी, ये मुलायम रेत, क्या मेरी तरह ये सब भी आपको अच्छे नहीं लगते? तुम अपने कहो, यहाँ क्यों लाई हो मुझे? अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हल करने के लिए। कैसा सवाल? क्या आप जानते हैं, कोई आपकी तलाश में जन्म जन्म से भटक रही थी। क्या आपको पता है, दुनिया के इस अंधेरे सागर में कितनी बार आप उसके हाथों में आते आते छूट गए। ये सब क्या कह रही हो? और अब आपको पाने के लिए वो युगों से मचलते हुए अरमान एक लड़की बन गए। और वो लड़की तुम हो? हाँ, मेरे जीवन साथी, वो लड़की मैं ही हूं। साथ रहकर भी आप जैसे बहुत दूर रहते हैं। संध्या, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता हूं, ना जाने मेरे कदम कौन रोक लेता है। तुम्हारी खूबसूरती को छूना चाहता हूं, ना जाने मेरे हाथ क्यों रुक जाते हैं। आंखें उठाता हूं तो लगता है जैसे तुम्हारे और मेरे बीच पर्दा है। वो पर्दा मेरी बदनसीबी के सिवा और क्या हो सकता है? मेरी कुछ समझ में नहीं आता संध्या, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे तपते हुए रूप को अपनी हथेलियों में भरकर करीब से देखो, मेरी जुल्फों को अपने कंधों में बिखर जाने दो। आज उन तमाम पर्दों को चीर कर मेरी बाहें थाम लो। लग जागने हसी रात के फिर हसी रात
बारिश हो रही है। होने दीजिए, भीग जाओ। आज भीग जाने को जी चाहता है। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें आज जी भर के देखना चाहता हूं संध्या। अजीब बात है, अभी तो वाइपर्स चल रहे थे। गाड़ी चलाना मुश्किल है, मुझे तो रास्ता सुझाई नहीं देता। रास्ता बिल्कुल साफ है, मैं देख सकती हूँ। तुम देख सकती हो? आप गाड़ी चलाइए, मैं बताती जाऊंगी। आपने मेरे हाथ क्यों पकड़ा? अभी पता लग जाएगा।
बंगला देख रही? हाँ। जानती हो इस बंगले को? लगता है जैसे ख्वाब में कभी देखा हो। मैंने भी इसे देखा है लेकिन ख्वाब में नहीं। आओ मेरे साथ। दाहिनी तरफ हाथ बढ़ाओ, मोमबत्ती रखी है, जला लो। हाथ तो छोड़िए। आज कोई आवाज नहीं। कैसी आवाज? किसी के रोने की। आज पता चल जाएगा। कैसे? तुम जो हो मेरे साथ। चलो। खोलोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। मुझे डर लग रहा है। डरना तो मुझे चाहिए। दरवाजा खोलो। आओ। ऐसी ही एक तूफानी रात मैं भी यहां लाया गया था। तब इस बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की मरी पड़ी थी जिसकी शक्ल तुम्हारी शक्ल थी। बता सकती हो ये कब? आना था तो वहां से गायब होने की क्या जरूरत है? बोलते क्यों नहीं? तू क्या कह रहा है बेटा? इससे पूछ मां ये कहां थी? ये कहां नहीं गई? इसे कहीं आते और जाते देर लगती है? ये हॉस्पिटल में थी, वीराने में थी, कब्रिस्तान में थी, उस बंगले में थी, ये हर जगह थी। ये सब कैसे हो सकता है बेटा? तुम नहीं जानती मां, ये कहीं भी हो इसकी परछाई मेरा पीछा करती है। ये तुम्हारी बहू नहीं, छलावा है, छलावा। जिंदगी की रोशनी भी है और मौत का साया भी। मैं इसे हर रंग, हर रूप में, हर जगह अच्छी तरह देख चुका हूं। तुम मुझे देख। मां तुम्हें बहू चाहिए थी ना? मिल गई। ये हमारा घर है, किसी भटकती हुई आत्मा का बसेरा नहीं। ये तो क्या कह रहा है बेटा? मां अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम मेरी जिंदगी चाहती हो तो इस मौत के साये को यहां से दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो। हां हां मैं एक ही सूरत को देखता रहा हूं। तुम्हें यकीन है कि जो कुछ तुमने कहा सब वैसे ही हुआ? मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। गलत।
आंखें वही देखती हैं जो दिमाग दिखाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हर होने वाला वाक्य दिमाग पहले ही सोच ले? होता है, दिमाग में बहुत ताकत होती है। लेकिन ये अनहोने सी बात मालूम होती है कि जिस लड़की को मैं मोटर में लिफ्ट दूं मेरा ख्याल हो, उसी लड़की को बंगले में मरा हुआ देखूं ये भी मेरा ख्याल हो, लौट कर बंगले में जाऊं किसी को ना देखूं ये भी मेरा ख्याल हो, मेरी बीवी की सूरत उसी मरी हुई लड़की से मिलती हो, क्या ये सब मेरा ख्याल हो सकता है? हो सकता है। तुम्हारा ख्याल एक ही लड़की की तस्वीर बनाता चला गया और तुमने हर जगह उसी लड़की को देखा जिसकी असलियत ख्याली तस्वीर के अलावा कुछ नहीं। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? इसलिए कि हकीकत और वहम में बहुत फर्क होता है। एक जीती जागती सूरत और ख्याली तस्वीर में कोई फर्क नहीं होता क्या? होता है, लेकिन तुम वहम के दायरे में फंसकर इस फर्क को नहीं देख सकते। माँ, वो गई अब इसी घर में। कल सुबह की गाड़ी से जा रही है। सवेरे की गाड़ी से जा रही हूँ। सुन चुका। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये सोचकर चुप हो गई कि मुझ बदनसीब के चले जाने से आपको कुछ सुख तो मिलेगा। कौन जाने, मैं ऐसी तो नहीं कि आपको याद आ सकूं, लेकिन कभी गलती से मेरी याद आ जाए तो बदनसीब समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मैं जब इस घर में आई थी तो आपके दिल में सीमा का दुख था, दर्द था, उसकी याद थी, और अब जबकि मैं जा रही हूं खुद आपके दिल का एक नासूर बनकर जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं जा तो रही हूं लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा यही रहेगी आप ही के पास। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आप फिर से अकेले हो जाएंगे, इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले। आपकी आंखों में आंसू आ गए। तकदीर के भी अजीब खेल है, जिसको हंसना चाहिए वो रो रहा है। आप
मूर्खा। ए माधो, अभी यहाँ कौन आया था? कोई नहीं आया साहब। तुमने यहाँ किसी को देखा? किसी को नहीं। क्या बैठते हो? सच कहता हूँ, हम तो यहाँ आधे घंटे से बैठे हैं, कोई भी नहीं आया। क्या बात है साहब? कुछ नहीं। क्या बात है भाई? कुछ नहीं। आदमी मरते हैं, लेकिन जो बार बार मरती रहती है वो कैसे मर सकती है? ये तो क्या कह रहा है? तुम मेरा यकीन नहीं करोगी माँ, मैं सच कह रहा हूँ। ट्रेन का एक्सीडेंट शाम के 7 बजे हुआ, रात के 2 बजे मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो यहीं थी। तूने कोई सपना देखा होगा? सपने में भी देखा, सपने से पहले भी देखा, वो जरूर बच गई होगी। भगवान करे तेरी जबान मुबारक हो, शायद बच गई हो। जा बेटा, उसका पता लगा। जाने से कुछ फायदा नहीं माँ, वो है और नहीं, वो मिलेगी और नहीं मिलेगी। मैं तेरी पहले नहीं भूल सकती, तू मुझ पर दया कर, मेरी बहू मुझे ढूंढ के ला दे। साहब चलो, जाकर देखना चाहिए। जाओ बेटा जाओ। चलो बाबूजी, अब यहाँ क्या रखा है? डॉक्टर साहब, आनंद की तो ये हालत है जो मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ बहन जी, मैं समझता हूँ। सीमा के बाद संध्या की मौत का शौक उसके लिए बहुत जबरदस्त है। मेरी राय ये है आप उसे फौरन शिमला ले जाएं, वह मेरी कोठी खाली पड़ी है और आपको किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं होने की। और अगर आप चाहें लता को साथ ले जाए। नौकर फिकर कोई नहीं है, जगह कितनी भयानक है माजी। तुम्हें तो हर जगह डर लगता है, डरने की क्या बात है? डरने कोई बात नहीं है माजी। सुना? कोई आवाज नहीं है, जैसे भूतों का डेरा मालूम होता है। क्या बकते हो, यहाँ कोई भूत थोड़ी रहते हैं। भूत का कोई भरोसा नहीं है, न उन्हें टिकट की जरूरत है, न ट्रेन की जरूरत है, न प्लेन की जरूरत है, न सर्दी के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत है। शायद वो हमसे पहले यहाँ आके बैठे होंगे। शट अप, चलो अंदर। चलो तो चलो। जल तू जलाल तू, 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 जल तू जलाल तू। शेर सिंह, शेर सिंह। बीबी जी आप मेरी बात मानिए,
यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, किसी होटल में जाके ठहरेंगे तो चार बंदे नजर आएंगे। आइए ना। अरे ये लोग भी जा रहे हैं अंदर। बाप रे, कोई आ रहा है, दिखाई नहीं देता। नमस्ते जी। भूत जी, आप कौन है? जी मैं शेर सिंह, यहाँ का नौकर। यहाँ का नौकर? यानी ये मकान बना तब से आप यहाँ नौकरी करते हो? जी मैं तो पैदा भी यहीं हुआ था। पैदा भी यहाँ हुए थे? अच्छा भाई साहब ये बताइए, यहाँ भूत तो नहीं है? भूत? अजी यहाँ सब भूत ही भूत है, हर तरह के भूत है। वो जो सामने पेड़ दिखाई देता है ना, वहाँ एक सरकटा भूत है, उससे थोड़ी दूरी पे एक चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ, वो रात के 12 बजे गाना गाती है। रात के 12 बजे गाना गाती है? और इस बंगले के पीछे? पीछे कोई भी रहने दो, बंगले के अंदर तो कोई नहीं है ना। ओ, इस बंगले के अंदर? जी आया जी, बाद में बताऊंगा। अच्छा है, ये शेर भी है और सिंह भी है। भाई अभी कितने बजे? रात को 12 बजे गाना गाती है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? अरे भाई तुम कौन हो? अरे तुम छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम शेर सिंह है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिल्ली सिंह है। बिल्ली सिंह? हाँ। अरे ये क्या होता है बिल्ली सिंह? ये देखो भाई, मैं अपना माधव हूँ। तेरे की माधव भैया, तुमने तो मेरी कड़ी पतली कर दी थी। ये बताओ कि अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम ये कोई 11 बजे होंगे। 11? हाँ, तो एक घंटे के बाद 12 बजेंगे। हाँ भैया जरूर बजेंगे। अच्छा ये बताओ, ये भूत कितने बजे बाहर निकलता है? भूत? अरे माधव भैया, भूत का भी कोई समय होता है, जब जी में चाहे निकल गए। वैसे सुना है कि 12 बजे निकलते हैं। 12 बजे? आज की रात किस तरह कटेगी? अरे माधव भैया, पहाड़ों की रात है, पहाड़ों जैसी होती है। अच्छा हाँ। अच्छा ये गाना कब गाते हैं? ये 1 से 3 के बीच में। 1 से 3 के बीच में? हाँ। अच्छा बीच में कवाली, गजल, ठुमरी, वो यार है वही सब गाते हैं? सब गाते हैं, आजकल तो फिल्म के भी गाने गाते हैं। फिल्म के भी गाने गाते हैं? हाँ। ये कौन है? मधुमति। मधुमति? हाँ। ये पनौती की बहन? शेर सिंह तुम अंदर जाओ। शेर सिंह तुम अंदर जाओ। अरे मैं कहाँ जाऊँ? बेटा देखो तो कौन आए हैं। कौन है? अच्छा हुआ अब तुम यहां से नहीं जाओगे। मां कौन थे? माधव कहता है ये यहाँ के बहुत बड़े संत हैं, लेकिन ये इस तरह क्यों चले गए? मुझे अजीब सा लगता है। क्या लिख रहे थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, कुछ छुपाने की जरूरत? मैं एक शेर लिख रहा था। शेर? ओ, जैसे मैं मैर लिखता हूँ। मैर? मैर क्या होता है? मैर जो होता है सो होता है, ये शेर क्या होता है? शेर जो शेर लिखता है। मैर जो मैर लिखता है। ये मैर क्या होता है? मैर जो होता है सो होता है, लेकिन ये शेर क्या होता है? शायर? हाँ, जो शायरी लिखता है। मायर जो मायरी लिखता है। अबे ये मायरी मायरी क्या है? मायरी मायरी जो होती है सो होती है, लेकिन ये शायरी शायरी क्या है? शायरी शायरी क्या है? हाँ बताऊं? बताओ। बोलो। आ गई। आ गई? हाँ बोलो। जैसे बागों में कोयलिया बोले। मायरी ऐसी होती है जैसे मागों में मोलियां मोले। मोलियां समझाओ? मोलियां समझाओ? नहीं मैं समझ। तो फिर बीड़ी पिलाओ।
रहे हैं। तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। प्लीज। ओके। मुझे ढूंढ रहे थे क्या? जी। किसी और की भी तलाश है? जिंदगी एक तलाश ही तो है। और उस तलाश में तुम भटक गए हो? मैं जानता हूं मैं भटक गया हूं। मैं मानता हूं मुझे तलाश है, मगर ये तलाश किसकी है, ये भटकन कैसी है, कुछ भी तो नहीं जानता। जान जाओगे। कब? समय आने पर। समय आने पर? हाँ, और उस वक्त तुम अपने आप मेरे पास चले आओगे। Ha ha ha!
दिमाग पर और भी गहरा असर हो गया है। इस पर उन्होंने किसी को देखा तो जरूर था, लेकिन मेरे पूछने पर इनकार कर दिया। ये बात और भी खतरनाक हो सकती है। तुम्हारा समय आ गया है, अच्छा हुआ तुम आ गए। यही तुम्हारी यात्रा का अंत है। वो देखो, वो देखो।
तुम बिल्कुल ठीक हो। आनंद, तुम एक अच्छे डॉक्टर रहे हो, अब एक अच्छा पेशेंट बनकर दिखाओ। वो कौन थी, क्या थी, बिल्कुल भूल जाओ। अब तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते का आराम चाहिए, बिल्कुल आराम, जिसमें तुम्हें सोचना ही मना है। आनंद, याद रखो, अगर तुमने अपने ख्यालात पर काबू नहीं किया तो तुम डॉक्टर हो, सोच सकते हो, क्या हो सकता है। गुड, थैंक यू सर। लता, इसे एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। सिंह साहब को जल्दी बुलाना। क्या हुआ सिंह साहब? जल्दी। डैडी, ही इज गॉन। क्यों गई? बस तुम्हें यहीं तक लाना था। मुझे भी यहीं तक आना था, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि तुम कौन हो, क्या हो। अब भी नहीं समझे? नहीं, लेकिन आज समझ जाऊंगा। आज तुम मेरे बस में हो। मैं तो सदियों से तुम्हारे बस में हूं,
तुम ही मुझसे दूर रहे, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ बढ़ती रही, तुम ही खींचते रहे। नतीजा ये कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला बढ़ता रहा। आओ मेरे साथ एक ऐसी दुनिया में जहां कोई गम नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई हंसी नहीं। ठहरिए, रुक जाइए, उसके पीछे मत जाइए। संध्या मैं हूं आपकी संध्या, वो कुछ नहीं है, वो कौन थी? वो तुम थी, तुम जिसने आत्मा का ढोंग रचा के मुझे कदम कदम पे उलझाया। वो तुम थी, तुम जो मुझे वीराने में मिली और कब्रिस्तान में गायब हो गई। वो तुम थी जो इस मकान में मरी पड़ी थी, मैं वापस लौटा तो गायब थी। वो तुम थी जो मुझे हॉस्पिटल से यहां लाई और यहां आकर गायब हो गई। वो तुम थी। डरती क्यों? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मरता तो वो है जो जिंदा हो। ये सब कुछ तुमने किया। अगर मैं पूछता हूं क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? रमेश तुम? हाँ मैं। ये सब तुमने किया? हाँ मैंने किया। मगर क्यों किया, क्यों किया रमेश? लाला जगत नारायण की जायदाद जो तुम्हें मिली, याद है उसकी शर्त? अगर तुम पागल हो जाते तो वो तमाम जायदाद किसी दूसरे वारिस को मिलती, और वो दूसरा वारिस मैं था। सुनो, मरने से पहले गौर से सुनो। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी संध्या से करना चाहती थी, और मैं भी यही चाहता था। क्योंकि संध्या की चड़वा बहन मेरे कब्जे में थी, जिसका संध्या को भी मालूम नहीं था। तुम्हें पागल बनाने का पूरा सामान। लेकिन तुम सीमा से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने भी उसे रास्ते से हटा दिया। संध्या, Thank you.
गोली मार दूंगा। माधव फुटपाथ से घर में और घर से बड़े घर में मवान मिस्टर रमेश, मैं तुम्हें सीमा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। आज ही मर चुकी है, सचमुच मर चुकी है। मुझे इसकी मौत का अफसोस है, लेकिन ये गरीब लड़की जालिम रमेश के हाथों खिलौना बन गई थी। हमें इस राज का पता रमेश की डायरी से लगा कि 18 साल पहले संध्या के माता पिता में झगड़ा हुआ। बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। मां इस लड़की को अपने साथ ले गई, बाप ने संध्या को अपने पास रखा और उससे यही कहा कि उसकी मां मर चुकी है। मां इस लड़की को जमाने के रहमो करम पर छोड़कर गुर्बत में मर गई। ये लड़की गुम हो गई और 16 साल बाद जब ये बाप को मिली तो ये बच्चलन हो चुकी थी। बाप शर्म की वजह से संध्या से कुछ न कह सका। इस लड़की को रमेश ने संध्या की तमाम आदतें सिखा दी, उसकी कला, उसकी पेंटिंग, यहां तक कि उसका वो गाना भी, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। और फिर एक तूफानी रात में आनंद से मिलने के लिए भेज दिया। कब्रिस्तान में दरवाजा अपने आप नहीं खुला बल्कि खोला गया था। यह था पहला वाकया। दूसरी बार आनंद को इस हवेली में बुलाकर वही लड़की मुर्दा दिखाई गई और यह सब कुछ इसलिए किया गया कि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए भूत का डर बैठ जाए। लेकिन वो इंस्पेक्टर पुलिस और उसके वो सब ठोंग था। वो रमेश के आदमी थे और आज सबके सब यहां मौजूद हैं। जब आप इन बोगस पुलिस वालों के साथ कमरे में वापस गए तो नक्शा बदला हुआ था। रमेश ने शैतान की तरह अपनी साजिश का जाल चारों तरफ फैला दिया और माधव को नौकर के रूप में आनंद के घर पहुंचा दिया ताकि रमेश को हर बात की खबर मिलती रहे। माधव ने संध्या के कपड़े देखे और रमेश ने वैसे ही कपड़े बाजार से खरीदे ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरी लड़की संध्या का रूप धारण कर सके। वो दूसरी लड़की थी जो अस्पताल में संध्या बनकर आई और आनंद को हवेली में पहुंचाकर खुद गायब हो गई। लेकिन वो कश्ती वाला गाना, वो टेप रिकॉर्डर था। जब आप अपने मकान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था, अंदर जुड़वा लड़की वही गाना गा रही थी। आपने हर तरफ ढूंढा, कोई ना मिला। लेकिन जब आपने अपने मकान का दरवाजा खोला तो सामने अपनी बीवी को मौजूद पाया। सुपरिटेंडेंट साहब, और वो ट्रेन एक्सीडेंट? डॉक्टर सिंह, वो एक्सीडेंट बिल्कुल सच्चा था, लेकिन संध्या एक्सीडेंट से पहले ही उठा ली गई थी। आप जब डॉक्टर आनंद को अपने साथ शिमले ले गई तो रमेश ने संध्या को यहां कैद करके उसकी जुड़वा बहन को शिमले भेजा ताकि डॉक्टर आनंद उसे देखें, यकीन करें कि उनकी एक्सीडेंट में मरी हुई बीवी प्रेतात्मा बनकर उनके सामने आ गई है। बाकी हाल संध्या जी खुद सुनाई। मुझे ट्रेन से उठाकर यहीं बंद रखा गया। यहां मुझे उनकी सब बातों का पता चला कि वो किस तरह आपको पागल बना देना चाहते थे। मैं इससे भी मिली, ये बहुत बेरहम थी। आपको अस्पताल से ये यहां लाई। कभी मुझे छुपाया गया इसे दिखाया गया, कभी इसे छुपाया गया मुझे दिखाया गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने आपको जान से मार देने की धमकी दी थी। मैं किसी तरह वहां से बच निकली, ऊपर गई, वहां आपको देखा,
और मैं जोर से चिल्लाई, चुप दो मुझे।